हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। तो आज का व्लॉग भी मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है। एक्चुअली हमारे घर पे कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे शादी का कार्ड देने के लिए, तो बस अभी रिलेटिव्स गए और मैंने ड्रेस चेंज किया और ये है शादी का कार्ड। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे भांजे की शादी है। आज पूजा करने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी एंड किचन अभी कुछ इस तरीके से लग रहा है। और ये चाय नाश्ते के बर्तन है जो अभी मैं क्लीन करके रख दूंगी, क्योंकि क्रॉकरी के बर्तन टूटने का बहुत ज्यादा डर होता है, इसलिए तुरंत तुरंत ही क्लीन करके रख दो तो ज्यादा बेटर होता है। मेरे दो पार्सल आए हुए थे तो ये मैंने ओपन करके देख लिया है, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पार्सल में क्या है। आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। शुरुआत करती हूँ मैं ये छोटे वाले पार्सल से, जो कि ये मीशो का पार्सल है, और इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर है फर्स्ट रोलर, सेकेंड है ये मसाजर जो आपने देखा ही होगा मीशो पे, और थर्ड ये भी मसाजर ही है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मसाजर है ये बॉडी मसाजर है और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपके नेक पे पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो भी आप इससे बहुत ही अच्छे से मसाज कर सकते हो। ये ऐसा गोल गोल घूमता है, इससे आप बहुत ही अच्छे से मसाज कर सकते हो। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से है, तो मुझे ये चाहिए ही था। और सेकेंड है रोलर, आइस रोलर, जो कि सिलिकॉन मटेरियल का है। मुझे लगा था कि ये प्लास्टिक मत आ जाए, बट ये सिलिकॉन है जो कि बहुत ही अच्छा मटेरियल है। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मसाजर है वो सिर्फ मुझे 250 में पूरा कॉम्बो मिला हुआ है। थर्ड प्रोडक्ट की हम बात करें तो ये है स्टोन का बना हुआ, तो ये एक फेस रोलर है। इस ऊपर वाला जो स्टोन है वो फेस में ऐसे रोल करने के लिए एज अ मसाज के जैसे काम करता है। छोटा वाला स्टोन है वो आई थिंक ऐसे आइस के पास मसाज करने के लिए है। आप देख सकते हो इसका यूज कुछ इस तरीके से करते हैं। एक्चुअली ये सारी चीजें मैंने कभी यूज नहीं करी है, तो मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, बट मैं यूज करके डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि प्रोडक्ट कैसा है। साथ ही हमें मिला है ये वाला स्टोन, तो ये कुछ इस तरीके से आपके फेस को मसाज करने के लिए है। ये भी एक स्टोन है जिसकी भी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। एंड गाइस तीनों की पैकेजिंग भी बहुत अच्छी आई है और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, तो अगर जिनको भी बाय करना है वो मीशो पे जाके बाय कर सकते हैं। बात करते हैं हम सेकंड प्रोडक्ट की, तो सेकंड प्रोडक्ट मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ है और ये है एक ट्राईपॉड। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो मेरा पुराना छोटा वाला ट्राईपॉड है जिसपे अभी मैंने फोन लगाया हुआ है, वो ट्राईपॉड थोड़ा सा टूट चुका है क्योंकि ये उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं। मुझे एक छोटे से ट्राइपॉड की जरूरत थी तो मैंने ये ऑर्डर किया है, और मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा है। तो इस ये ओपन करने से एक ब्लैक कलर की पॉलीथिन में है एंड इसका साइज आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके का है। और ये वाला ट्राइपॉड मैंने इसलिए मंगाया है क्योंकि ये 360 डिग्री रोटेट हो सकता है, आराम से हम किसी भी एंगल से वीडियो ले सकते हैं, तो ये मेरे किचन के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। इसकी सबसे छोटी साइज है जो आप देख सकते हो, तो इसे हम ऐसे क्लिप निकाल के हम इसे बड़ा कर सकते हैं, इस तरीके से इसकी क्लिप बंद कर सकते हैं। इसके साथ मिल जाता है आपको कैमरा होल्डर, इससे आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो, ये यहाँ पे लगता है। इसके साथ मुझे एक और प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ट्राइपॉड के साथ मिला हुआ है मुझे माइक, ये कुछ 1.5 मीटर लंबा माइक है जिसे हमें कैमरे पे फिट करना है, और ये एक कॉलर माइक है जिसे आप इस तरीके से यहाँ पर लगा सकते हो, तो आपकी वॉइस बहुत क्लियर आएगी। एंड गाइज ये था मेरा छोटा सा ट्राइपॉड जिससे मैं इतने महीनों से वीडियो बना रही थी। ये एक सेल्फी स्टिक के जैसे ही है, इसका जो स्टैंड है वो थोड़ा सा टूट गया है जिससे कि जब भी मैं इस पर मोबाइल लगाती थी तो एक बार तो मेरा मोबाइल गिर ही जाता था। फिर मैंने जितना भी सामान फैलाया हुआ था उन्हें अच्छे से रख दिया सही जगह पे। फिर मेरे चाय का टाइम हो चुका था, तो फिर मैं किचन में आ गई और अपने लिए मैंने चाय बनाया। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।